हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में ज्योग्राफी और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था और हमने दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस के बारे में देखा हुआ था। हमने एक एंडोजेनिक और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में देखा। हमने देखा कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, यानी कि जो अंदरूनी चेंजेस लाते हैं या फिर जो अंदरूनी फैक्टर्स जो होते हैं विद इन द वेरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिनकी वजह से ऊपरी तल पर सर्फेस पर जो लैंडफॉर्म्स में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो आउटर यानी कि एटमॉस्फेयर में ही होते हैं, अर्थ के इंटीरियर से नहीं आते, लेकिन आउटर से ही वो इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि अर्थ के लैंडफॉर्म्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हम एंडोजेनिक फोर्सेस यानी कि इंटरनल फोर्सेस के बारे में इन डिटेल में और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एंडोजेनिक फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस। याद रखिएगा कि एंडोजेनिक यानी कि इंटरनल, एक्सोजेनिक यानी कि एक्सटर्नल। एंडोजेनिक फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज बिलो। सबसे पहला स्लो मोमेंट एंड सडन मोमेंट। तो चेंजेस जो है वो दो किस्म के आ सकते हैं। अभी हमने जो पहले साइड में पिक्चर देखी, आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा कि अर्थक्वेक जो है वहाँ पर किसी एक एरिया में आया हुआ है और ये तो एक सडन, बहुत सडन मोमेंट है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तो ये नहीं लगता, बस एक झटका काफ़ी है। तो अलग अलग लैंडफॉर्म जो है बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते हैं और फॉर्म भी होते हैं इस तरीके के चेंजेस की वजह से। तो वॉल्केनिज्म यानी कि वॉल्केनिक एरप्शंस वगैरह और अर्थक्वेक्स जो है इन्हें सडन मोमेंट्स कहा जाएगा। ये भी इंटरनल है, हमने पिछले चैप्टर में ही देखा कि सभी जो है अर्थ के इंटीरियर के फोर्सेस हैं, तो ये दोनों जो है सडनली चेंज करते हैं, ये सडन मूवमेंट्स हैं, तो इन्हें सडन एंडोजेनिक फोर्सेस भी कहा जाता है। हम इन दोनों के बारे में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक जो है वो कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर्स के लिए भी या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के बारे में सेपरेट वीडियोस आपको आगे के चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए हम स्लो मूवमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो ऐसे मोमेंट्स जो इंटरनल फोर्सेस से आते जरूर हैं लेकिन कई साल, कई हजारों या फिर कई लाखों साल लग जाते हैं इस तरीके के चेंजेस को आने में। इन्हें डायस्ट्रोफिक चेंजेस भी कहा जाता है, यानी कि स्लो डायस्ट्रोफिक और स्लो एंडोजेनिक फोर्सेस भी कहा जाता है। सबसे पहला वर्टिकल मूवमेंट और दूसरा हॉरिजेंटल मूवमेंट। ये किस तरीके से काम करते हैं हम आगे के स्लाइड में विद अ पिक्चर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो मेजरली दो क्लासिफिकेशन है, एक तो स्लो और दूसरा सडन मूवमेंट्स। स्लो में हम देख सकते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल, सडन में हम देख सकते हैं वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। तो स्लो मूवमेंट्स क्या होते हैं, जिन्हें हम डायस्ट्रोफिक फोर्सेस भी कहते हैं। इट रेफर्स टू फोर्सेस जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द सॉलिड मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट। बिल्कुल, जो जितने भी लैंडफॉर्म के चेंजेस हैं वो अर्थ के सॉलिड मटेरियल पर ही होते हैं, यानी कि जो ऊपरी तल पर जहां पर हम सॉइल हैं, जिस लेयर पर हम जीते हैं, तो वो अर्थ का क्रस्ट कहा जाता है। बहुत ही सॉलिड लेयर होता है, तो उस लेयर में आने वाले चेंजेस ही लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करते हैं, यानी कि डिपोजिशन, फॉर्मेशन, एरोशन वगैरह, ये सभी जो है इसी स्थल पर हमें देखने को मिलते हैं। तो स्लो मोशन भी कहीं ना कहीं ये जो फोर्सेस हैं वो इसी तरीके के फोर्स जनरेट करते हैं और इस सॉलिड क्रस्ट के मटेरियल को मूव करके लैंडफॉर्म्स बनाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। ऑल द प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड प्रोपोर्शंस पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म। तो जितने भी जो कोई भी प्रोसेसेस हैं जो इस सॉलिड क्रस्ट को मूव करने में, बिल्ड करने में, घटाने में, एलिवेट करने में जो योगदान देते हैं, उन सभी को जो है डायस्ट्रोफिज्म कहा जाता है, उस प्रोसेस को डायस्ट्रोफिज्म कहा जाता है। तो डायस्ट्रोफिज्म इंक्लूड माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सीवियर फोल्डिंग। कई बार हम देखते हैं कि दोनों लैंड जो है वो जब एक दूसरे से क्रॉस होते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके से माउंटेन्स जो है वो फॉर्म होते हैं। हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो डायस्ट्रोफिज्म इसी को भी एक एग्जाम्पल कहा जाएगा। अर्थक्वेक्स इन्वॉल्विंग लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट्स वगैरह, यानी कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से अपर क्रस्ट में चेंजेस आना, इसे डायस्ट्रोफिज्म कहा जाता है। तो इसमें जैसे कि मैंने कहा कि डायस्ट्रोफिज्म या फिर स्लो मूवमेंट्स में हमें दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो वर्टिकल मूवमेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो वर्टिकल मूवमेंट क्या है, दे आर मेनली एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड प्लेट्यूज। यानी जैसे कि मैंने कहा कि कई हजारों लाखों साल लग जाते हैं इन स्लो मूवमेंट्स को अफेक्ट करने में, यानी कि इन स्लो मूवमेंट्स को जो है अर्थ के इंटीरियर से इन्फ्लुएंस करके अपर क्रस्ट को चेंज करने में कई लाखों साल लग जाते हैं। और इस तरीके के चेंजेस की वजह से जो है हमें खासकर वर्टिकल मूवमेंट्स के चेंजेस की वजह से जो है कॉन्टिनेंट और प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हम आज दुनिया में देखते हैं, प्लेट्यूज वगैरह देखते हैं, वो इसी वर्टिकल मूवमेंट से हुए हैं जो कि इंटरनल फोर्सेस से बनाए गए हैं।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एपिरोजेनिक मूवमेंट्स। तो वर्टिकल मूवमेंट्स को, खासकर जो प्लेट्यूस और कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, उसे हम एपिरोजेनिक मूवमेंट्स कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट फोर्स जो है वो है हॉरिजेंटल फोर्स। ये भी इंटरनल ही एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द साइड टू साइड कॉजेज दीज मूवमेंट्स। तो ये जो है हॉरिजेंटली एक्ट करता है और इसके वजह से, यानी कि दोनों साइड्स पर साइड से जो है फोर्स पड़ता है, माउंटेन जैसा एक रीजन जो है वो बनने को देखने को मिलता है। हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में देखेंगे। तो हॉरिजेंटल फोर्सेस को जो है हम ओरियोजेनिक मूवमेंट कहेंगे, यानी कि इन्हें माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स भी कहा जाता है। स्पेसिफिकली माउंटेन्स ही जो है वो बिल्ड होते हैं जब हॉरिजेंटल फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से शायद समझ में आ गया होगा कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये जो दो प्लेट्स हैं, लैंड के प्लेट्स जो हैं वो मूव होते हैं, यानी कि इंटरनल एस्थेनोस्फीयर के मूवमेंट की वजह से या फिर इंटरनल किसी भी तरीके के चेंजेस की वजह से अगर ये दोनों प्लेट्स जो है वो मूव होते हैं इन द सेम डायरेक्शन, इसे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से क्लैश होते हैं, इस क्लैश की वजह से यहाँ पर एक माउंटेन बनता है। तो इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को या फिर इस हॉरिजॉन्टल चेंज को माउंटेनियस चेंज भी बोलते हैं, या फिर माउंटेन जो है क्रिएट होता है, अभी जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में देखा, तो इसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहा जाएगा। याद रखिएगा कि सेम डायरेक्शन में जो है दोनों प्लेट्स मूव हो रहे हैं। अगर यही सेम दोनों प्लेट्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव होते हैं, तो जैसा कि आपने देखा कि माउंटेन है, ये माउंटेन जो है वो पूरा फ्लैट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कॉन्टिनेंट या फिर ये माउंटेन जो है वो प्लेट्यू बन सकता है। ध्यान से देखिएगा कि माउंटेन जो है वो स्ट्रेच होने की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस जाने की वजह से, इंटरनल चेंजेस आने की वजह से, वो माउंटेन जाकर या तो प्लेट्यू बन सकता है या फिर वो पूरी तरीके से एक प्लेन बन सकता है, कॉन्टिनेंट बन सकता है। तो इसे जो है वर्टिकल चेंज कहा जाएगा। तो यही बस बेसिक डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज में। हम आगे के चैप्टर्स में जो है सडन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।